ओकरा बाद तोहर माई हमरा के बहुत खोजनी। थाना में गुमशुदा होके के रिपोर्ट लिखावल गई। आपके पति की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिए हैं। जैसे कोई सूचना मिलती है आपको सूचित किया जाएगा। अभी कुछ पता ना चला? अभी नहीं। ठीक बा, प्रणाम। और हमारा इंतजार में तोहरा माई के वर्षों बीत गई और लोग हमरा के गुमशुदा मान लेलस और पुलिस भी फाइल के क्लोज कर देलस। बाकी सच्चाई तो कुछ और रहल बेटा। हम गुमशुदा ना भेल रहनी जब हम खुशी खुशी ससुराल गए नी। वैसे तो ससुराल में दामाद का बड़ा सेवा होला, नाश्ता पानी आवेला। हमरा सामने आयल जमीन का पेपर। एका ओ प्रवा हिस्सा के जमीनवा का कागजात हो, तनु प्रेम से अपना हाथवा से एगो साइन कर दी। दिमाग ठीक हो? हाँ पागल हो गया वो इन्हें तो बोलावला हो। हाँ इतना उम्र हो गई राहुल, अब जो लो छोट लड़का खानी बढ़िया होता नहीं। एगो तो हमारे बाप एगो गलती कर ले कि दू को ब्याह को लो ले ना, हमने को दोनों भाई के हिस्सा तो आपस में बांट डाले। लेकिन जीजा जी अभी हमने का पूरा मालिक बनने का था तब ऐसा न साले साहब, अब अहिन ले तो प्रॉपर्टी पे हमार कोनो नियत खराब ना रहे और ना कोनो लालच रहे। लेकिन अब एक बात कान खोल के सुन ला, ये प्रॉपर्टी के पूरा मालिक बने का सपना तोहन लोगन के सपने रह जाई। और हाँ, आज से न तोहन लोगन हमार कोनो सर और न कोनो ससुरा। पार्टी तो हमनी के होई जीजा जी। और वही कमरा में गड्ढा खोद के हमरा के गाड़ देलस लोग। हमनी के अपन लोग आपके साथ है, इन लोग के ना छोड़ब। ना बेटा, इन लोग के ना छोड़। बेटा ना, तो ऐसा कुछ ना करबा। बोला गया तारा के स्कूल में हम कौन शिक्षा दे रहे हैं बच्चों? इंसान को हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? दया का भाव। हाँ, अगर शत्रु भय आपके कब्जे में आ जाए या आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे तो उसे दंड नहीं देना चाहिए बल्कि उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि दया जो है वो सबसे बड़ा पुण्य है। दया करने से आपके संस्कारों का पता चलता है और संस्कार आपको भगवान के करीब ले जाते हैं, संस्कार आपको धर्म की तरफ ले जाते हैं, संस्कार आपको हमेशा बड़ा बनाते हैं। जैसे मृत्यु किसी न किसी बहाने से होता है, उसी तरीके से भगवान आपको रोजगार भी किसी न किसी माध्यम से देता है। तो मृत्यु शाश्वत सत्य है, वो किसी न किसी बहाने ईश्वर आप तक पहुँचाते हैं। इसलिए हमेशा दयालुता का परिचय दीजिए, दया भाव रखिए, प्रेम करिए। ठीक है? ठीक है। क्या करना है? दया करना है। हाँ बेटा, अब तू है गर्भ जो नाम तारा के बताए। तोरे मामा लोग बहुत अत्याचार के लिए हुए, उन लोग उनका सर्वनाश करल बहुत जरूरी बा। और जब तक उनके सर्वनाश ना हुई तब तक हमारा आत्मा को शांति ना मिली। यही काम तू करवा, लेकिन कैसे? जैसे हम कहा वैसे। ठीक बाबा, पा, मगर पापा आपके नाम नसीब है। पापा हम आपके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर सुना सकते हैं, गले ना मिल सकते हैं आपसे पापा। ना बेटा, गुड्डू ना बेटा ना, हम कहनी ना
कि हमारा आशीर्वाद तोरे साथ बा। शांत हो जा पापा, शांत हो जा। हम बचपन खो देनी, हम आपके खो देनी पापा। हाँ गुड्डी। अरे यार हम तोरे के फोन करे वाला रनिया, एक्चुअली बहुत जरूरी बात करे के रहे। हमरा के तोरा से कोनो बात नहीं के करे के। तू हमरा से 8 दिन के वादा कह के गइल रहलन ना, और आज 9वां दिन हो गई। अब हमार बात सुना। हमनी के अब हुई मुलाकात और साथे साथ हुई मुक्कालात। तो हमार बात ध्यान से सुना। अभी हम बानी प्रतापगढ़ स्टेशन पे। जल्दी से अपन फटफटी लेके आवा और हमरा के हिजा से लेके जावा। का मतलब कहा बात करे थारू? बाय। हेलो हेलो, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रतापगढ़ से होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने वाली है। ए चोरनी। मेरे मामा लोग हैं। नमस्ते काला। का एकरा के कोनो होटल समझ ले बाड़ा हैं कि जो मन करे केहू मुंह उठा के चल आई रही या चल जाई। हाँ, इज्जतदार लोग के घर बा, बेइज्जता लोग एहिजा ना रह सकेले। निकल एहिजा से, निकल। निकल चलिए, ठीक है। मामी मामा प्यार करता नहीं इनका से, तनी आराम से। हाँ हमने की सगाई हो चुकल भैया। हम एजा अपन माई बाबूजी से पूछ के आयल बानी। हाँ, और अगर ऐसा बात है तो हम के लागत है हिसाब हिसाब लगा जाओ तो यहाँ हमारे माई का हिस्सा निकलिए जाए, राइट? हिस्सा हिस्सा तो चल, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि गुड्डू गुड्डी जो है यही रहेंगे। हो गया कोर्ट डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।